ध्यान से देखो। तो फोटो फोटो कुछ फोटो आ रहा है इसके ऊपर। अरे वाह, टप्पू सोनू वाला फोटो मग के ऊपर। वाह, टप्पू सेना की फोटो है। दिखा दिखा, गोली दिखा। आगे आगे सब आगे। वाह 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 वाह, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। बाली जी, हमारी फोटो वाला भी एक ऐसा मग बनवा लेंगे। वाह 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 बीड़े अंकल, ये तो सच में स्पेशल मग है। क्या बात है बाबा। टप्पू इस गिफ्ट से खुश हुआ। आश, तो मैं अपना नाम वो फाइन से कट कर सकता हूँ ना? हाँ, गुड। ये पानी जो है वो पौधे में डाल दिया यहाँ पे। थैंक यू बीड़े अंकल, थैंक यू। तो अब ये बताओ, अय्यर भाई को बादाम शेक मतलब बादाम का तेल किसने गिफ्ट किया? हाँ, वो मैंने दिया। मेरे को मालूम ही था कि ऐसा यूजलेस गिफ्ट तुम ही मेरे को दे सकता है। कैसा गिफ्ट? मतलब जिसका कोई उपयोग ना हो, बिना काम की। ओ अय्यर भाई, ये बिना काम का नहीं है भाई, बहुत काम का है आपके लिए। ओके दे, मैं समझाता हूँ। देखिए, आपके काम में आपको सबसे ज्यादा किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है? दिमाग का, बराबर। अभी लोग कहते हैं ना कि बादाम खाने से दिमाग तेज चलता है। अभी क्या पेट बादाम का तेल निकाल कर दिमाग तक पहुंचा तो उसमें बहुत टाइम जाता है। तो मैंने सोचा मैं डायरेक्ट बादाम का तेल ही आपको देता हूँ। सर में बादाम का तेल लगाओ, तेल डायरेक्ट आपके दिमाग में, और दिमाग है ना एकदम रॉकेट, सभी डबल स्पीड में चलने लगे। इसलिए मैंने आपको बादाम का तेल दिया। ब्रिलियंट आइडिया है। अय्यर, आई थिंक जेठा जी का गिफ्ट देने का इंटेंशन बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक इट्स क्वाइट एन यूजफुल गिफ्ट। ओके ओके, ठीक है, जयदलाल के गिफ्ट से मैं खुश हुआ। थैंक यू। अजरम, मेरा नाम काट दो। अच्छा, हाँ तो भिड़े, मेरा भी वो फाइन कैंसिल कर भाई। ऐसे ही चलता रहा तो सोसाइटी फंड में कुछ भी आने से रहा। ए बॉस, आहो। नहीं नहीं, आएगा भाई, आएगा, क्योंकि मुझे जिसने ये गिफ्ट दी है उससे तो मैं 5,000 का फाइन दिलवा के ही रहूंगा। तो इसी के साथ फाइन का खाता खोलते हैं और ये जानते हैं कि सेठ जी को ये स्किपिंग रोप किसने दिया। बोलो बोलो। अरे किसने दिया गिफ्ट? मैंने। बबीता जी, आपने? जी हाँ जेठा जी। जेठा जी, आपने मुझे पहले कहा था कि आपको एक्सरसाइज करने का कभी मूड नहीं होता है, ऊपर सब दुकान में इतने बिजी होते हो कि आपको एक्सरसाइज करने का टाइम भी नहीं मिलता है, राइट? हाँ? तो मैंने इसलिए आपको ये गिफ्ट दिया ताकि आपको जब भी टाइम मिले, घर पे, वरांडा में, आप कभी भी कहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जेठा जी, मैंने तो आपके अच्छे के लिए सोच के ये गिफ्ट दिया था, पर इट्स ओके, अगर आपको नहीं अच्छा लगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं फाइन दे दूंगी। भीड़े भाई, मैं फाइन देने के लिए तैयार हूँ।
अरे नहीं नहीं बबीता जी, क्या कह रही है आप? आपको फाइन भरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे गिफ्ट देने से पहले आपने कितना सोचा है? इसलिए मैं आपके गिफ्ट से और आपसे आपके सोच से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अरे भिड़े भाई, वो बबीता जी का फाइन कैंसिल कर दे भाई। ठीक है भाई। थैंक यू जेठा जी। और इसी के साथ एक और बार फाइन कैंसिल होते हुए हम ये जानेंगे कि गोली को बुक किसने गिफ्ट दी। हाँ अरे सोनू के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा ये? मैंने दी। अरे वाह गोली, हमारे देश के जितने भी महान लोग हैं ना, इन पुस्तकों में उनकी जीवनी लिखी है। तुम एक बार पढ़ो, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। हाँ बेबी। वाह थैंक यू बेटा अंकल, मुझे मेरी गिफ्ट पसंद है। ओए बेबी गुड। वाह बेटा अंकल, मेरा भी नाम काट ही दो। हाँ हाँ ठीक है। अरे देवा, अभी तो सिर्फ मैं और सोनू बचे, यानी पक्का वो कंगी माधवी ने मुझे दी है और सोनू को वो ग्रीटिंग कार्ड टप्पू ने। लेकिन माधवी कंगी गिफ्ट के मेरा अपमान क्यों करेगी और वो क्यों चाहेगी कि मेरे जेब से 5,000 का फाइन जाए? ये सब मैं बाद में सोचूंगा, अभी तो सारा ध्यान टप्पू पे है। बस एक बार ये बात सबके सामने आ जाए कि टप्पू ने सोनू को गिफ्ट दिया है, फिर बताता हूँ इसे, मजा आ जाएगा। मोटी कमर। उड़ गए ना तोते पोपटलाल।